सोचती रहती हैं। जो साड़ी रसोई स्टार्ट की गई है, ये साड़ी रसोई का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी लोनमंद यहाँ पर 10 रुपये में आकर एक पूरा पौष्टिक आहार ग्रहण कर सकता है। इसमें 10 रुपये में रोटी, दाल, चावल और उसको सब्जी दी जाएगी और ये 10 से लेकर 3 बजे हर रोज़ स्टार्ट की गई है। और साड़ी रसोई में जो हमारी लोकेशन है उस हिसाब से कि बिल्कुल एक तो सिविल अस्पताल के साथ में है, कोई भी रूरल एरिया से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोग आते हैं, यहाँ भर्ती भी होते हैं, उन्हें खाने की पहले बहुत समस्या रहती थी और खाना बाहर बहुत महंगा था। तो अब इस उपराले से क्या होगा कि एक तो 10 रुपये में उनको पौष्टिक आहार मिलेगा एंड रेलवे स्टेशन भी इसके पास है, सामने स्कूल है और मार्केट के बिल्कुल बीच में है। तो पूरे लोगों में जैसे मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, बहुत उत्साह है इसको लेकर और आई एम श्योर कि लोग इसको सपोर्ट देंगे और हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। कि टाइमिंग डे टाइम या नाइट टाइम को भी स्टार्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अभी बिकॉज हम फर्स्ट टाइम ये ऐसी साड़ी रसोई है कहीं स्टार्ट की गई है अपने पंजाब में, तो हम अभी पहले इसका थोड़ा रिस्पॉन्स देखते हैं। अगर हमें डिमांड ड्रिवन है ये, अगर हमें ऐसा होगा कि रिक्वेस्ट आएगी फिर इसको रात को भी एक्सटेंड किया गया, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी वर्कर्स होते हैं लेबर होते हैं वो उनका टाइम ये रहता है, तो अगर हमें रात को भी कोई ऐसी डिमांड आती है तो डेफिनेटली हम इस पर विचार करेंगे। अभी के लिए हमने इसको 10 से 3 बजे तक कर रखा है। और इसकी एक और ये विशेषता है कि इसमें लेडीज़ का सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको मैनेज कर रहा है। जी मैम, जो सरकार द्वारा है या फिर आपके प्रशासन द्वारा है? एक्चुअली सरकार की ज़रूर मंशा थी कि ये साड़ी रसोई डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई जाए, तो इसमें जैसे भी हमें सरकार से भी आगे कोई दिशा निर्देश अगर आएंगे तो हम उसमें उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको स्टार्ट करके एक बार अपना एक्सपीरियंस भी इस पर देखते हैं कि कैसा रहेगा, कि फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट रेडक्रॉस सोसाइटी में लोनमंद लोगों के लिए चलाया जा रहा है। तो जैसे ही जैसे हमें आगे अगर कोई दिशा निर्देश आएंगे तो हम उस पर अमल करते हुए जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो करेंगे। हमने इसके लिए जो अपने शहर के डिफरेंट जैसे आरती एसोसिएशन है उन्होंने हमें राशन किया है, किराना एसोसिएशन है, हमारा व्यापार मंडल है और जितने भी ये सारे एसोसिएशन हैं इन्होंने हमें काफ़ी कुछ खाना एंड कुछ सामान जो राशन है वो प्रोवाइड किया है। बिकॉज ये एक सब्सिडाइज प्रोजेक्ट है, क्योंकि 10 रुपये का ही रेट है, तो हमें काफ़ी लोगों की मदद इसमें लेनी पड़ी है एंड मुझे बहुत खुशी है कि इन एसोसिएशन ने बहुत हमारी मदद की है जिसके कारण हम ये आज स्टार्ट कर पाए। ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक लोग जाते हैं और जब तक यहाँ पर लोग आते रहेंगे ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। एंड आज तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, फर्स्ट डे है, सो जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तक गरीबों वास इतने पैसे नहीं होंगे, 10 रुपये चावल दाल 3-4 खाने मिल जाते हैं जी। शहर के बच्चे असं गरीब बंदे रोटी खाने जी, 100 रुपया लेंगे जी, साढ़े को 100 रुपये के बच्चे बच्चों की खुवाइए तो आप की खाइए। महंगाई बहुत कर दी है शहर से जी, कितने भी जाइए शहर के बच्चे पैसा लगता, 100 रुपये रोटी तो कम लेंगे ही नहीं जी। शहर के बच्चे गरीबों के वास्ते चंगा कम किया जी, 3-4 बारी 4 चावल दाल रोटी 3-4 भोजन देते जी, 10 रुपये में ये अच्छा काम किया जी, इन्हें बहुत अच्छा काम किया जी, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया जी, साहब ने अच्छे काम किए गरीबों के लिए। शहर के बच्चे अज मैं रोटी खाइए तो 100 रुपये लेंगे जी, फिर कम नहीं धंधा नहीं, मजदूरी थोड़ी है, जेडे दुकानदार है शहर के बच्चे सारे चोर बने पड़े जी, के शराब का ठेके और रेट बताते जी, गरीबों को मारी जाते, गरीब का खून पीते जाते जी, नशे के रेट बताते जी तो गरीब का चिल पट्टी जाते जी। नवी सरकार आई जी कैप्टन की, इन्होंने नशे के रेट बताते, गरीब नशा करेगा काम के जवाक पड़ेगा, तो बुढ़िया उन्होंने बेचारियां दिहाड़ी करते मजदूरी करते, असी मजदूरी करके रोटी खाने, सानू रोटी तो चीज़ा सस्तियाँ होनी चाहिए साहब जी। ओके जी।